ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजिली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं गाइस कि आप लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो गाइस वहाँ पे जो आपको एडिटिंग से रिलेटेड आपको सारे अपडेट वहाँ पे मिलते रहेंगे। क्योंकि गाइस जब भी मैं वीडियोस डालने वाला होता हूँ तो गाइस वहाँ पे पहले मैं इंस्टाग्राम में आप लोगों से मतलब कि पूछता हूँ मैं वहाँ पे कि आपको इसकी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप लोग गाइस वहाँ पे मेरे को फॉलो जरूर करना। इससे ये होगा कि गाइस मेरे को वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी फिर, और मेरा जो मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें गाइस मेरा भी टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पे मेरे को फॉलो जरूर करना। बाकी गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन भी होगा तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जो है आप वहाँ पे सभी के रिप्लाई करता हूँ, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। बाकी गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करेंगे, ठीक है गाइस? मतलब मैंने तो कर रखा है, आप लोगों को भी करना है, ठीक है? तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से मॉडल को ऐड करना है, एंड मॉडल का कटआउट जो मैंने पहले से कर रखा है, तो जिसको नहीं आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वीडियो को जाकर देख लेना, समझ आ जाएगा कैसे आपको बैकग्राउंड जो है रिक्स करना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। तो गाइस मॉडल को जो आपको सिंपली अपने टेबल के ऊपर बैठा देना है, एंड उसके बाद आपका अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट होगा इरेज करना रह गया हो तो गाइस उसको आपको सिंपली रेजर टूल में जाकर इरेज कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इरेज करने को है नहीं, तो मेरे को हल्का फुल्का करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे हार्डनेस बढ़ा लूँगा थोड़ी सी एंड साइज को कम कर लूँगा, एंड यहाँ से जो मैं हल्का हल्का इसको इरेज कर लूँगा, क्योंकि गाइस हमें चाहिए यहाँ पे रियलिस्टिक एडिटिंग, तो गाइस ये तो करना पड़ेगा। तो गाइस अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मेरे मॉडल के अंदर जो है लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उस पर रियलिस्टिक शैडो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड फोटो में जाएंगे, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे, एंड इसको जो है हम यहाँ पे फुल स्क्रीन करके इस तरीके से ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट करेंगे, ब्रश को लेंगे, ब्रश का साइज इंक्रीज करेंगे, एंड फोटो को जूम करेंगे, एंड जहाँ जहाँ पे शैडो चाहिए वहाँ पर इस तरीके से पेंट करेंगे, ठीक है? एंड इस तरीके से पेंट कर देंगे, एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम, उसके बाद यहाँ से डन करेंगे, एंड उसके बाद आप सब मेरे को लग रहा होगा कि गाइस हमारी शैडो यहाँ पे बन चुकी है, तो गाइस ऐसा नहीं है, अभी शैडो बनानी हमें बहुत सारा काम करना है अभी इसमें। तो जैसे गाइस ये कुछ एरिया रह गया था पेंट करने को, तो उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपको शैडो कैसे बनानी है, तो पहले आपको एक डुप्लीकेट बनाना है, इसका नहीं मॉडल का, तो मॉडल का यहाँ पे डुप्लीकेट बनाएंगे यहाँ पे, एंड सेम साइज में इसको वैसे ही रख देंगे। एंड उसके बाद गाइस क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट में जाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका अमाउंट कर देंगे 0, एंड उसके बाद कर देंगे डन। डन कर देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे इसको, एंड जो मतलब पहले इरेज किया था वो भी यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको भी आपको इरेज करना है यहाँ पे, ठीक है? तो इरेजर लेंगे, सब कुछ इरेज कर देंगे, एंड बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ब्रश पर क्लिक करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे, ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पर फोटो को जूम करेंगे, एंड जो है साइड साइड में हम पेंट करेंगे यहाँ पे, ताकि जो हमने पीछे जो बैकग्राउंड में शेडो बनाई है उससे जो है हमारी ये पूरा मतलब हमारी बॉडी जो है मैच हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको शैडो बनानी है। एंड गाइस अगर आपको ये शैडो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो गाइस उसके लिए यार वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए टिक्स एंड ट्रिप्स लाना है यार मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड जब वो आपको पसंद आता है तो यार मेरे को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हो, तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी गाइस हमारा शैडो जब बन चुका है तो हम इसकी ओपेसिटी जो है यहाँ पे कम कर लेंगे। अब गाइस इसकी ओपेसिटी हमने यहाँ पे कम कर ली, तो आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे मतलब शैडो है एकदम मतलब एकदम रियलिस्टिक लग रही है अब, ठीक है? तो यहाँ पे इतना कर देने के बाद क्या करेंगे, हम इसका एक डुप्लीकेट और बनाएंगे, एंड इसके बाद क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाने के बाद हम जाएंगे रेजर टूल में, ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद हम इसे पूरा फिल कर देंगे मतलब कि जैसा था पहले जैसा, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डन, एंड डन करने के बाद हम इफेक्ट में जाएंगे वापस से, इफेक्ट में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से ब्लैक एंड जो नेगेटिव वाला ऑप्शन हम इसको लेंगे, इसको मर्ज करेंगे, कलराइज में जाएंगे, कलराइज में जाने के बाद आपको ह्यू को जो यहाँ पे येलो कलर की तरफ लेकर आना है, येलो एंड ऑरेंज के बीच में, देन उसको डन करेंगे, इरेजर टूल में जाएंगे, ठीक है? सेम साइज में रखना है, एंड इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद साइज और ओपेसिटी हार्डनेस कम करके साइज को बढ़ा देंगे, एंड साइड साइड में इस तरीके से पेंट करेंगे ताकि मतलब कि एक रिम लाइट क्रिएट करेंगे, जो कि गाइस आपको दिख रहा होगा साइड से जो आपको एक लाइटनिंग दिख रही है येलो कलर की, जो कि आपकी बॉडी के ऊपर ही पड़नी चाहिए, तभी गाइस आपकी फोटो जो है रियलिस्टिक लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है इसका, ठीक है? ब्लेंडिंग मोड, एंड उसके बाद आपको चाहो तो इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा लगे तो, ठीक है? इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जिस जो मतलब कुछ पार्ट हैं जहाँ पे यहाँ पे हमने हमें पेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम पेंट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो हेयर्स वगैरह के ऊपर भी कर लेंगे। आप लोग आज एकदम अच्छे तरीके से टाइम देके करना, एकदम रियलिस्टिक बनाना फोटो को, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करना, ठीक है? इंस्टाग्राम पे टैग करना, जिसकी फोटो अच्छी लगेगी उसको मैं शॉर्ट आउट भी दूंगा अपनी स्टोरी में, ठीक है? तो आप लोग जरूर एडिट करना,
बाकी चलेंगे दोबारा ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम एक गन की पीएनजी ऐड करेंगे, एंड एक गन की पीएनजी जो सभी को ऐड करनी है, ठीक है। एंड पोज वगैरह ऐसे करना कि मतलब कि आप गन की पीएनजी जो है आपके हैंड में लग पाए। अब ये मॉडल लगा जिसमें तो मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया कि गन कैसे लगानी है, ठीक है। तो बाकी आप लोग पोज वगैरह जो है आपका वही होना चाहिए कि आपने गन भी पकड़ रखी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे हैंड के पास रखेंगे, एंड हैंड के पास रखने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा साइज में इसको इंक्रीज कर लूँगा ताकि जो मतलब ये अच्छे तरीके से मेरे हैंड में आ जाए एंड नकली ना लगे। फ्रीजर टूल में जाएंगे, हार्डनेस फुल करेंगे, ओपेसिटी हार्डनेस को यहाँ पे, ठीक है। एंड उसको यहाँ से हम जो इंक्रीज करके साइज ब्रश का साइज इंक्रीज करके यहाँ से हम इरेज कर लेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे इतने तरीके से कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे जो हमारे बैकग्राउंड पेंजेस जो भी लग चुके हैं, अभी इसमें कलर करेक्शन करके इसको और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाना है, तो उसके लिए पहले यहाँ पे फोटो को सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो चुकी है, डायरेक्टली चलते हैं लाइट रूम ऐप में, फोटो ऐड कर रखा है। अब क्या करेंगे, जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, पहले क्या करेंगे कॉन्ट्रास्ट, फिर हाईलाइट्स इंक्रीज कर देंगे, शेडो है थोड़ा सा उसको भी इंक्रीज कर देंगे, और जो वाइट है इसको फिर जाएंगे कलर्स में जाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, वैसे नहीं बिगड़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि दोबारा मिक्स में जाके ऑरेंज कलर लेंगे, ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे, येलो कलर लेंगे, ऑरेंज कलर करने के लिए ब्लू को थोड़ा बढ़ा देंगे, सैचुरेशन थोड़ा कम कर देंगे ताकि ज़्यादा ल्यूमिनेंस ना हो, डार्क ब्लू में जाएंगे सैचुरेशन कम करेंगे, ल्यूमिनेंस थोड़ी कम कर देंगे एंड स्पष्ट कर देंगे, फिर जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, नीचे की तरफ जो है जो कि क्लियरिटी को इंक्रीज कर देंगे, वहाँ पे जाके सिग्नेट डाल देंगे, फोटो रियलिस्टिक लेंगे, फिर जाएंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में, फोटो की चार्ज पे इंक्रीज कर देंगे, स्क्रीन से लेकर आपको रिजोल्यूशन को बढ़ा देंगे, कलर रिजोल्यूशन को भी बढ़ा देंगे, एंड फाइनली हमारी जो फोटो है वो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो बस आप लोग कंपेयर कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, बाकी मेरी वीडियो यहीं तक ही, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, बाकी चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।